बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। सैर के अंदाज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज COVID-19 अपडेट्स में मैं न्यू अपडेट्स लेके आई हूँ UAE के बारे में, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कोरोना फैलने की वजह से दुबई ने अपने न्यू रूल्स अपडेट किए हैं। इसके अलावा आज दुबई की ताज़ा तरीन खबर ये है कि शारजा में एक न्यू हॉस्पिटल बनाया जा रहा है जो एक महीने में रेडी हो जाएगा। COVID-19 के न्यू केसेस की वजह से शारजा पुलिस, इमरजेंसी और क्राइसिस टीम्स और पुलिस सब इस पे काम कर रहे हैं कि ये काम जल्दी से हो जाए। इसके अलावा दुबई की लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि यूएई ने अपने जितने भी उनके गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, चाहे वो मेल्स हों चाहे वो फीमेल्स हों, चाहे वो जितने भी लोकल्स हों गवर्नमेंट स्टाफ में या फिर अन लोकल्स हों जो गवर्नमेंट स्टाफ की जॉब्स कर रहे होते हैं, उन सबको कहा गया है कि वो अपनी सारी की सारी छुट्टियां, जितनी भी उनकी एनुअल लीव्स हैं, वो अवेल कर लें। क्यों? क्योंकि वो अवेल करके वैक्सीनेटेड हो जाएं और फिर वैक्सीनेशन के बाद वो क्वारंटाइन हो जाएं या सेल्फ आइसोलेटेड हो जाएं। इसके अलावा यूएई की न्यू अपडेट ये है कि यूएई ने अनाउंस की हैं गवर्नमेंट जॉब्स। दुबई गवर्नमेंट ने अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जॉब अनाउंस की हैं और उन्होंने ट्विटर पे अपने बहुत सारे पेजेस पे जॉब्स के लिए अनाउंसमेंट की है और उन्होंने ये भी कहा है कि उन जॉब्स की सैलरी होगी अप्रॉक्सीमेटली 8,000 दिरहम, यानी 8,000 दिरहम सैलरी है उन जॉब्स की। तो आप अप्लाई करें, बिस्मिल्ला करें। और COVID-19 अपडेट्स में ये न्यू खबर है कि अगर आप COVID-19 वैक्सीनेटेड हैं, यानी आपने अगर COVID-19 वैक्सीनेशन फ्री में यूएई में लगवा ली है, तो आप बड़े मज़े से 25% डिस्काउंट सेव कर सकते हैं। COVID-19 वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखा के आप कहेंगे वो कहाँ? वो ऐसे कि बहुत सारे होटल्स ने एक ऑफ़र दी है कि जो अब से रूम्स बुक करवाएंगे या कोई भी फैसिलिटी होटल में अवेल करेंगे, उनको वो 25% डिस्काउंट देंगे और ये ऑफ़र चलेगी अप्रैल तक, अप्रैल 2021 तक। है ना ये अच्छी खबर? लेकिन ये ऑफ़र वही अवेल कर सकते हैं जो वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, और वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पूरा एक महीना दरकार होता है, जिसकी वीडियो कल मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ और उसकी स्टेप बाय स्टेप को मैं वीडियो में डिटेल बता चुकी हूँ। अगर आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो आप ये 25% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं या आप किसी और को भी बता सकते हैं ये ऑफ़र के बारे में। इसके अलावा न्यू अपडेट्स ये हैं कि बहरीन ने भी स्कूल्स बंद कर दिए हैं और डाइन-इन सर्विसेज सस्पेंड कर दी हैं बहरीन में COVID-19 की वजह से। उन्होंने इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया कि सारे स्कूल्स हमने फैब तक बंद कर दिए हैं और उन्होंने अपनी सारे होटल्स वगैरह को भी कहा है कि आप अपने होटल्स बंद कर दें। ये सारे इकदाम हो रहे हैं दोबारा से COVID-19 की वजह से, और शायद इस वजह से भी कि आप सब लोग COVID-19 की वैक्सीन लगवा लें यूएई में, ये चीज़ें जो हो रही हैं। बाकी अल्लाह पाक जाने
हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अल्लाह पाक जो करे हमारे लिए बेहतरीन करे। और यूएई ने कल ही अपने दोबारा से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया कि उन्होंने दुबई के लिए न्यू रूल्स बनाए हैं। दो दिन पहले अलग से रूल्स बनाए थे, दोबारा से उन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था और उन्होंने कहा कि अब ये रूल चलेंगे यूएई में। उसके बारे में आपसे मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं बता देती हूँ कि रेस्टोरेंट्स में 2 से 3 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। एक टेबल पे 4 लोग नहीं 2 लोग बैठेंगे 4 के बजाय। ऑर्डर लेते वक्त देते वक्त भी डिस्टेंस का खास ख्याल रखा जाएगा। मास्क लाजमी 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 पहना जाएगा, अदरवाइज फाइन हो सकता है। टूरिस्ट वीज़ा सस्पेंड कर दिए हैं कुछ दिनों के लिए, फरवरी तक के लिए। आप लोग अगर बाहर निकलेंगे तो भी अपना डिस्टेंस रखेंगे, डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे। मॉल्स में भी जाएंगे आप लोग डिस्टेंस रखेंगे, जहाँ जहाँ आपके निशान लगे हुए उन्हीं निशानों को आप फॉलो करेंगे, करीब नहीं रहेंगे। अगर आप बस स्टॉप पर भी खड़े हैं तो भी आप डिस्टेंस लाजमी रखेंगे। बार बार हाथों को जहाँ जहाँ एंटर हो सैनिटाइज करेंगे। होम डिलीवरी सिर्फ रहेगी, होटल्स बंद कर दिए हैं। ये थी सैर के अंदाज पे न्यू खबरें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि आप सब लोग मेरे लिए मेरी फैमिली हैं। मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपडेटेड रहें, और आप सब लोग तो मेरी दुआओं में रहते हैं कि आप सब लोगों को अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे, बरकतों के साथ रखे, मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।